वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है यानी कि जिस गाने पर रिएक्शन होगा आज वो नबील अब्बर के गाने पर होगा। और इस गाने का जो नाम है वो फारी स्टाइल है और थंबनेल पे लिखा हुआ है फ्री स्टाइल। तो गाना जो है ऑफिशियल ऑडियो है और गाने को सुनकर ही पता लगेगा ये थंबनेल पे फ्री स्टाइल लिखा है और टाइटल नेम पर जो है फारी स्टाइल लिखा है। तो इसका क्या राज है, तो गाने को सुनते हैं फिर उस पर रिएक्शन देते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जले शोला जैसे लहू बहे गरम, तुझको मिले वो नतीजा जैसे करेगा तू करम। तुझे पता नहीं तू किसे दे रहा भरम, उस दिन जानेगा तू मुझे जिस दिन घुसे तेरे घर। बिना वारंट काली गाड़ी लेके 47 अली बाबा जैसे चोर मेरे पीछे लगे 40। मैं नहीं करता कॉमेडी पे छोड़े मैं नहीं फारिग, तुझको लगी नहीं है छोटे तभी तुझ में ज्यादा खारिज। रिवाइंड करे क्रिटिक्स इनका पहुंचे मुझ तक ज़हन नहीं, डिवाइन मेरे लिरिक्स पर ये गली वाला गैंग नहीं। किसी का नहीं पता कौन किसका कितना सगा, रखते खुद हिफाजत अपने दिलों में कोई रैम नहीं। एक खोगा दो खोगा तीन खोगा चार, करे मैगजीन खाली के रखोगे बार। मरे धोखे बाज हाथों मेरे सारे एक ही बार, 10-20 मिला छिपा को उठा ले आगे लाश। मुझे जानता नहीं मेरे किसी काम का नहीं, दुआ कर तू बस के कभी काटे मेरा रास्ता नहीं। जादूगर मैं जैसे कर दू गायब, तुझे मानता नहीं। पड़ा हुआ मैदान खाली मेरा कोई मुकाबला नहीं। दोस्त मैंने दुश्मन भी रखे सारे खानदानी, खौफ के वो मारे कभी करे मेरा सामना नहीं। शेर बोलते मुझे रेल बोलते, अपन बिना पेच कस तेरा फेस खोल दे। नक्शे बदले चेहरे के मैं ऐसे के दोबारा फिर पहचाने तेरा फोन बिना फेस क्लॉक पे। श्रेड़ा रखा रांची आ रही काली दिनाली भाजी, अपन अब तक फिर भी तुम्हें ग्रेट बोलते। चढ़ा मुझे नशा पहला घूट मार के, सीधा स्टूडियो में घुसा निकला बूथ फाड़ के। तेरा एप्पल वाला मैक मेरा 25 गोली वाला, तूने देखा सिर्फ डिफेंस, अपन बैठे डोली खाता। नो वी आर नॉट द सेम ब्रो, मर जाओगे तुम बिला वजह रहन दो। किसी के लिए हीरो तो मैं किसी के लिए विलेन, बैंक बैलेंस जीरो से अब 7 फिगर ले। हम करे डील तो फिर बेटी करे पैक, बजेगी तेरी बेबी करे डैब। बैठे जैसे हर वक्त रेडी फॉर अटैक, इंडिपेंडेंट मेरा लेबल तक है ब्लैक। एक बोतल दो बोतल तीन बोतल चार, नशे में आवाज मेरी पहुंचे बॉर्डर पार। निकलो सारे बार छुपे रहते सालों साल, तुझे लगता तू करेगा इधर राज। तुझे लगता तेरे गानों में है आग, तेरा मोलोटोव दिया मैंने मूत के बुझा। रखा ड्रैगन ऑफ चला बेटा कूद के दिखा, अबे नौटंकी मुझे तू रोकेगा। अगली बार तेरी 32 बार मेरे हाथों टूटते हुए पूरा होट देखेगा। मुझको जाके लेनी पड़ेगी नी डैडी से इजाजत, मैं शहर की तरह अपन दोनों इल्ला बारे। सब सब अपनी जिम्मेदारी पे अपनी मर्जी के मालिक, मैं तुम सारे की दड़ों पे एक अकेला बंदा भारी। मुझे पता कितने खाली, मुझे पता कितने जाली रखी मैंने सब पे नजर, मैंने गोली गिन के डाली। कोशिश भी की अगर तुमने कभी करने की गद्दारी, तो फिर सबसे पहले मरने की बारी होगी तुम्हारी। मुझे सुनना था नबील अकबर का ये फ्री स्टाइल, क्योंकि फ्री स्टाइल आपको पता ही है किस तरह के होते हैं। और जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में ही बार लेकर आए, अमेजिंग। जिस तरह उन्होंने ये बोला कि तुझे तब पता चलेगा जब मैं तेरे घर में बिना वारंट के साथ घुस जाऊंगा, वो भी AK-47 के साथ। तो यहाँ पर वो इस तरह के जो बार्स लेकर आया और इस तरह के वर्स लेकर आया, तो मुझे उनका ये फ्री स्टाइल सुनना था। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर बार्स तो डाले हैं, जो उनका फ्लो था, जो उनकी राइम्स थी, और साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट आउट दिया है, यानी कि शॉर्ट दिया है। पर उस शॉर्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, गाने के स्टार्टिंग के बारे में बात करते हैं पहले। और इस लाइन के पीछे जब उन्होंने ये लाइन बोली कि मैं हूँ अली बाबा, मेरे पीछे है 40 चोर, तो ये लाइन्स आपको सबको ही पता होगी। और इस तरह जो है एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि स्टार्टिंग में ही नबील अकबर इस तरह के वर्स लेकर आएंगे, इस तरह के बार्स लेकर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है फ्री स्टाइल इसी तरह का होता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो फ्री स्टाइल होता है और एक अपना स्टाइल होता है। तो मुझे इसी वजह से जो है फ्री स्टाइल अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी रैपर हो, कोई भी सिंगर हो, वो अपना फ्री स्टाइल जब लेकर आता है वो इसी तरह ही लेकर आता है।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि डिवाइन मेरे लिरिक्स पर और गली वाला गैंग नहीं, और इस तरह उन्होंने यहाँ पर डिवाइन पर भी शॉट दिया है। तो मैं शॉक हो गई कि डिवाइन को, और ये नहीं पता मुझे डिवाइन को उन्होंने क्यों शॉट दिया है। और जब ये लाइन आई कि एक खोखा, तीन खोखा, चार खोखे, तो वहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन करती है कि जब हम राइफल चलाते हैं तो राइफल जब जिस पे चलाते हैं तो वो गोलियां जो हैं वो एक एक करके जो है निकलती जाती हैं, एक दो तीन चार, और इस तरह की जो डीप लाइन लेकर आए हैं यहाँ पर नबील अकबर, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और उनका जो ये मुझे फ्री स्टाइल था जो जिसमें उन्होंने डिवाइन को भी लिया है और उसके बाद उन्होंने गाने में जिसको लिया है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर जिस तरह से स्टार्टिंग में उन्होंने फायर लगा दी एकदम से, वो काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ यहाँ पर गाने में जो उन्होंने एप्पल और 25 वाला बार जो बोला था वो भी अच्छा लगा, और जिस तरह से उनके राइम्स थी इस गाने में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इस गाने में नबील अकबर ने जो है अपना लेबल बता दिया कि मेरा जो लेबल है वो ब्लैक है, तो जिस तरह से इस तरह के वर्ड्स लेकर आया यहाँ पर नबील, और साथ ही साथ जो म्यूजिक था, जो बीट्स थे ना, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और जिस तरह से इस पूरी ही एल्बम के बारे में बात की जाए तो इस पूरी एल्बम में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है कॉन्सेप्ट के साथ जो नबील अकबर इस तरह के ट्रैक्स लेकर आया वो काफ़ी अच्छे लगे। और जब इन्होंने इस गाने में जो है फारिस को शॉट दिया तो वहाँ से इस गाने की जो है एक हाइप होती है ना वो बढ़ गई, क्योंकि इस तरह उन्होंने यहाँ पर डिवाइन को भी शॉट दिया और एक तरह से देखा जाए तो फारिस को भी शॉट दिया, क्योंकि उन्होंने इस गाने में ये बात बोली कि तुझे क्या लगता है तेरे इस गाने में आग है मोलोटोव में, और जो इस गाने का टाइटल नेम था तो वहीं से पता लगा कि ये जो शॉट दिया है वो फारिस शाफी पर दिया है, और तभी इस गाने के टाइटल नेम पर लिखा है फारिस स्टाइल। तो नबील अकबर ने जिस तरह से शॉट दिया है, और ये नहीं पता उन्होंने क्यों दिया है, पर जिस तरह से उन्होंने शॉट दिया है तो वो बड़ा शॉकिंग सा था और अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने ये शॉट उनके ऊपर क्यों दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर नबील अकबर ने ये बात भी बोली कि सारे गिदड़ों पर मेरी निगाह है और गोली जो है मैंने गिन गिन के डाली है, तो उनके जो है इस गाने में बार्स खत्म नहीं हो रहे थे, और जिस तरह से इस तरह की जो लाइंस लेकर आ रहे थे, जो वर्स लेकर आ रहे थे, वो काफी अच्छे लग रहे थे। और जो इस गाने के अंदर बार्स के साथ साथ जो शॉट दिए जा रहे थे और शॉट के साथ साथ जो फ्लो था इस गाने का वो एक ही फ्लो जा रहा था, तो वो काफी अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ इस गाने का जो फ्री स्टाइल है वो अमेजिंग लगा, पर एक ही मुझे इस गाने में लाइन अच्छी नहीं लगी, जो लड़की के ऊपर कुछ बोला था, उनकी बेटी के ऊपर कुछ बोला था, तो वो लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी मुझे ये गाना जो है काफी अच्छा लगा, जिस तरह से शॉट दिया है नबील अकबर ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जिस तरह से बार्स और फ्लो उनका एक ही लेवल का था, वो काफी अच्छा लगा। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड टेक केयर, और जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।